नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल लुसेंट सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पुरस्कार एवं सम्मान। दोस्तों आज हम लोग पुरस्कार सम्मान से संबंधित दो पुरस्कार को देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सरस्वती पुरस्कार देखेंगे। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग पुरस्कार से संबंधित वर्ष देखेंगे, पुरस्कार विजेता देखेंगे और किस रचना पर उनको मिले ये देखेंगे। दोस्तों आइए पहला देखते हैं हम लोग किसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला मिला है 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को, उनकी किस रचना पे मिला है चिदंबरा के लिए। उसके बाद किसको मिला है 1972 में, उनसे 4 साल बाद रामधारी सेन दिनकर को मिला है। किसके लिए मिला है, किस रचना के लिए, उर्वशी के लिए मिला है। उसके कुछ समय बाद मतलब 6 साल बाद 1978 में अज्ञेय को मिला है, किस रचना के लिए, कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1982 में महादेवी वर्मा के, किस रचना के लिए, यामा के लिए। दोस्तों ये सन भी एग्जाम में पूछा जाता है, और किसको मिला है और किस रचना के लिए उनको दिया गया ये सरस्वती ज्ञानपीठ सम्मान, सॉरी दोस्तों सरस्वती सम्मान नहीं ज्ञानपीठ सम्मान या पुरस्कार हम लोग बोलेंगे इसको। तो 1982 में किसको मिला है, महादेवी वर्मा को, किसके लिए मिला है, यामा के लिए। उसके बाद 1992 में नरेश मेहता को मिला है, किसके लिए, संपूर्ण साहित्य में मिला है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखन के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। फिर से देखिए सर दोस्तों, नोट करके हम लोग देखें, सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखन के समग्र साहित्य योगदान पर दिया जाने लगा, समग्र साहित्य योगदान पर दिया जाने लगा। तो देखिए दोस्तों 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए, फिर 1984 के बाद हम लोग के इसका मतलब 1992 आ गया, 1992 नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए, उसके बाद जिसको भी मिलेगा संपूर्ण साहित्य के लिए ही मिलेगा। 1999 में निर्मल वर्मा को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए, 2005 में कुंवर नारायण को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए, 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। दोस्तों हम इसमें से ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत किसके लिए, चिदंबरा के लिए, और रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए, और अज्ञेय को कितने नाम में कितनी बार, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सन भी दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए इसके आगे हम लोग ख वाला देखते हैं, सरस्वती सम्मान के लिए वर्ष है, ये लेखन है और किस रचना में मिला है हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले किसको मिला था 1991 में, किसको मिला था, हरिवंश राय बच्चन को मिला था। किसके लिए, दस द्वार से सोपान तक मिला था। सबसे पहले किसको मिला, हरिवंश राय बच्चन को, दस द्वार से सोपान तक मिला था। फिर उसके बाद किसको मिला 1997 में, लीलाधर जगुड़ी को मिला था। किसके लिए मिला था, नाटक जारी है। फिर उसके बाद 2013 में मिला गोविंद मिश्र को, किसके लिए मिला, धूल पौधे पर। दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण सम्मान थे आज के लिए, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और दोस्तों इसके आगे वाले से व्यास सम्मान और भी सम्मान के लिए यदि आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए हमें, उसके आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे। दोस्तों ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको आप ज़रूर पढ़िए। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।